पानीपत नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर खूब हंगामा हो रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। खुद विधायक ने सरप्राइज चेक किया, लेकिन पिछले दिनों ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि अब सतह पे आ गए हैं। हमारे साथ नगर पालिका संघ पानीपत के कर्मचारी यूनियन के प्रधान सुभाष चिंदालिया जी हैं। सुभाष जी, प्रॉपर्टी आईडी को लेके पानीपत नगर निगम की इतनी बदनामी, इतनी वो हो रही है कि चंडीगढ़ तक नाम है पानीपत नगर निगम की, अव्यवस्था फैली हुई है पूरी तरह से, असल स्थिति क्या है बताओ। मेरा कहना यह है जनाब, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार चला रहा है, ये जो मौके के एमएलए हैं, इनके जो पार्षद हैं, इनके चमचे हैं, इन्हीं लोगों ने यहाँ दलाल छोड़ रखे हैं और गलत काम कराने के लिए कर्मचारियों पर दबाव बढ़ाते हैं। जब कर्मचारी गलत काम से मना करता है तो उसको जूठे जाल में फंसा कर कोई न कोई इलीगेशन लगा कर उस पर उसको निकलवाने की कोशिश करते हैं लोग, तो जिससे कि यहाँ का जो कर्मचारी है वो इनके दबाव में डरता है और यहाँ तक गिर चुका है यहाँ का प्रशासन के मेयर खुद अपने पीए को कह गए, सरदार है उसका नाम क्या आ रहा है पता हो, मनप्रीत लंच टाइम में रजिस्टर लेता है, जो डिस्पैच रजिस्टर उसको उठा लेता है और ये कहता है रजिस्टर तो वहाँ जाएगा भाई मेयर के कार्यालय में, उसमें रख लेता है। जब कोई अपनी प्रॉपर्टी का पता करने आता है भाई मेरा नंबर कितना है ये है वो है, उसको ही सेट करता है और उससे पैसे साठ गांठ करके उसकी फाइल मंगवाता है, भाई ये फाइल निकालो, बाकी बगैर कहे कोई भी फाइल ना निकालो। ये तो रही मेयर की बात, जिस दिन प्रमोद विधायक है पानीपत शहरी की, उन्होंने सरप्राइज चेक किया था 3-3.5 महीने पहले, पूरा मीडिया बुलाया था, उस वक्त जो मौजूद थे आपके कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि विधायक के आसपास जो मौजूद थे वो लोग दलाली भी करते हैं, जो विधायक के संरक्षण में बैठे थे, ये सारे जो विधायक के साथ रहते हैं, पार्षदों के साथ रहते हैं, ये लोग दलाली भी करते हैं, सारे के सारे दलाली करते हैं। यहाँ तक के को है विजय जैन MC, उसने अपना PA बना रखा, उसका नाम है क्या नाम राजेंद्र शर्मा, वो हर रोज दलाली का ही काम करता है यहाँ और कोई काम नहीं। वो नागरू है एक MC, उसका एक सुभाष है चश्मे वाला, उसका दलाल वो है, तो किस किस को गिनवाए, सब इन्हें अपने दलाल छोड़ रखे। ये है कि भाई हमारा सरकार है, हमारा राज है, जिसका जितना जिस पर कमा जाओ कमाओ और हमारे को भी दो। सारा मामला यहाँ ये चल रहा है, कर्मचारियों को यहाँ सताया जा रहा है और यहाँ का जो कमिश्नर है वो मौन बनकर बैठा रहता है, किसी के काम नजायज काम को ये नहीं कह सकता कि ये गलत क्यों कर रहे हैं। भाई क्या करें, बोला एक के जवाब होता क्या करें भाई, सरकार है तो सरकार ये काम करेगी क्या, पहले भी तो सरकार होती थी, क्या यही सरकार है लूट खसोट करके लोगों के गढ़ काट कर या गरीब आदमियों को सतते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, हम भी देखते हैं यहाँ गरीब आदमी तो चपरासी से भी बात करने की हिम्मत नहीं करता, और ये लोग ऐसे खोलते हैं मेयर का दफ्तर अंदर, डिप्टी मेयर का जाते हैं अंदर, वहाँ फाइल मंगवा लेते हैं, डिप्टी मेयर कहता ले आओ भाई उस फाइल को ले आओ, फटाक से फाइल आ जाती है, और गरीब लोग यहाँ 6-6 महीने से धक्के खाते रहते हैं, ना तो कोई कमिश्नर पूछने वाला यहाँ, ना कोई और दूसरा अधिकारी पूछने वाला, और ये सरकार के नुमाइंदे तो पूछेंगे क्यों, इनकी तो कमाई चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब हमने यूनियन ने कल फैसला लिया है भाई हमें लठ उठाने पड़ेंगे यहाँ, क्योंकि बदनामी तो हमारी भी होती है डिपार्टमेंट की, मेरे को भी कह देते तेरे निगम में क्या चला, तू क्या का प्रधान है भाई, लोग मेरे से भी कहते तू किस चीज़ का प्रधान है, हमने तो लूट मचा दी, बताओ हम क्या लूट मचा रहे हैं, हम तो अपने जो कर्मचारी हैं उनसे चंदा लेते हैं, जैसा भी हमारा यूनियन का चंदा होता है वो लेते हैं और उससे अपना काम चलाते हैं। एक जो बड़ा आरोप आप लगा रहे हो, मेयर पे लगा रहे हो, विधायक पे लगा रहे हो, पार्षदों पे लगा रहे हो, ये पार्षद पैसे कमाते हैं या ये कोशिश रहते हैं कि अपने आदमियों के काम करवाए जाएं? ऐसा कुछ नहीं है, काम कुम कराने की तरफ नहीं है ध्यान देते, गरीब लोग इनके वार्ड के पीछे पीछे लगे रहते हैं, जी सुनो जी मारी भी सुनो, अरे यू सुन लेगा सुन ले भाई, दूसरे को भेज देते हैं वो बीच में, वो दलाल को जा सुनिए, वो उनसे पैसे की साठ गांठ करता है, तब जाकर उनके काम कोई कराते हैं तो कराते हैं, नहीं तो बस घूमते रहो लोग। अगर बीजेपी पार्षदों विधायक पे मेयर पे आरोप लगा रहे हैं आप, लेकिन आप अपने कर्मचारियों को कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? ये ठीक है दबाव उनको मानना पड़ता है, बड़े नेता है, सरकार है, बदली करवा सकते हैं, कुछ करवा सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं आप? अब हम इन लोगों को पकड़ेंगे जो लोग यहाँ दलाली करते हैं, चलो हम पार्षदों को तो नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो भी नुमाइंदे हैं, तो हम यहाँ दलालों को पकड़ेंगे और पुलिस के हवाले करेंगे। आज जाएंगे हमें मीटिंग करने लग रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मीटिंग करके हम थाने में जाएंगे, हम SP के पेश होंगे, भाई हमारे को दो पुलिस वाले दे दी, फोन करते ही आने चाहिए, गाड़ी के बारे में बात करेंगे, भाई फटाक से गाड़ी लेकर आओ और उनको उठाओ यहाँ से सीधा थाने में बंद करो, इस तरह का कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत भ्रष्टाचार चल गया, हमारे सफाई कर्मचारियों के खुद के काम नहीं होते, मतलब वो भी तो यहाँ के नौ किस चीज़ के मुलाजिम हैं, लोग क्या कहेंगे उनको,
लेकिन आपके सदन में 26 के 26 पार्षद बीजेपी के हैं। एक आध कांग्रेस का जीता था, वो भी बीजेपी के साथ आ गया था। आपने दो तीन के नाम लिए, बाकी सारे ईमानदार हैं क्या? और भी कोई नाम ले लेना, अगर अगर आप सच्चाई बोल ही रहे हो तो आज बोल दो। साइकिल रहा है एक, उसका पूरा नाम मैंने पता नहीं, साइकिल साइकिल साइकिल, हाँ, जब भी आता है यहाँ हल्ला गुल्ला मचाना, बस धूम धड़क मचाकर अपना नजायज काम करा कर चलता अपना। और कौन कौन है? विजय सहगल है, अशोक कटारिया है, किस किस को गुणवाओ, ये सारे हैं टोटली है। अब सब के नाम तो मेरे याद भी नहीं, मैं तो क्यों मैंने कौन सीन से कोई तालमेल बना रखी, मैं इनके नाम जानूंगा या इनके घर आना जाना हो। मैं तो यहाँ दफ्तर में देखता यू कौन है भाई, ये बोला फलाना है, ये अल्लाह उल्ला मचाना, रोड़ा मचाना और उल्टे काम करा कर हर साहब जाना। ये MLA के जो दरवाजा को झाड़ू लगाते हैं वो गली माँ का काम से मना कर देते हैं, सेंटर इंस्पेक्टर को मना कर देते हैं, नहीं करते हम। और कई तो ऐसे पार्षद है यहाँ पे, वो है क्या नाम उसका, दैया, संजीव दैया, हाँ, चार पार्षद वो अपने घर पर रखता है, चार सफाई कर्मचारी वो पार्षद अपने घर पर रखता है, बरसीन लियानी भैंसों की, गोबर उठाना, घर का पिछना करना, दत्ते धोने, क्या उसको चार अलाउ है सरकार की तरफ से? और बात करते हैं तो फिर पता क्या कहते हैं, अरे छोटो बोले ये बीजेपी के, क्या बीजेपी के हो गए तो हमने भी बीजेपी के बन जाना चाहिए, फिर इसका मतलब काम ही ना करना पड़े। तो इस तरह की कहानियां चली हुई है, हर ब्रांच में यही दंदान लिया। मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की हमने। पानीपत नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी का मसला हो, टैक्स का मसला हो या दूसरे मसले हो, भ्रष्टाचार को दूर करना सरकार का एक बड़ा वायदा था, लेकिन भ्रष्टाचार में ही पानीपत नगर निगम चौतरफा घिरी हुई है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।